الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معزز سامعین کرام इस्लामी भाइयों और बुज़ुर्गों माओ और बहनों और अज़ीज़ तलबा हर मुसलमान का ये बुनियादी अकीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के पैगाम को उसके बंदों तक कमा हक़हू पहुँचा दिया, इसके अंदर कोई कमी और कसर नहीं छोड़ी। दीन से मुताल्लिक जितनी भी ज़रूरी चीज़ें थीं, ख्वाह वो छोटी हों या बड़ी, सब की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत फरमा दी। छोटे से छोटे उमूर को भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम के सामने रखते थे और उसे बयान करते थे। यहाँ तक कि मुशरिकीन ताना देने लग गए। सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि कुफ यहूद और मुशरिकीन हमसे कहने लगे, लकद अल्लमकुम नबीयुकुम कुल शैइन हत्तल खिरा, कि तुम्हारे नबी तुम्हें हर छोटे बड़ी चीज़ों की तालीम देते हैं, हर छोटी बड़ी चीज़ें सिखाते हैं, यहाँ तक कि पेशाब और पायखाना करने के तरीक़े को भी। तो सलमान फारसी ने इसका एतराफ़ करते हुए कहा कि हाँ हाँ, हमें हर चीज़ की तालीम देते हैं, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी बताते हैं कि जब हम कज़ाए हाजत के लिए जाएं तो क़िबले का इस्तक़बाल करके उस तरफ रुख करके ना बैठें। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादह तौर पर इरशाद फरमाया, मा तरक्तु शैयन मिम्मा अमरकुमुल्लाहु बिही इल्ला वक़द अमरतुकुम बिही, कि अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों का तुमको हुक्म दिया है, इनमें से किसी भी चीज़ को मैंने छोड़ा नहीं है, मगर मैंने उसको तुम तक पहुंचा दिया, वो हुक्म मैंने तुम्हें दे दी। और इसी तरीके से कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे अल्लाह तबारक व ताला ने तुमको मना फरमाया और रोका, मगर मैंने तुम्हें उससे रोक दिया। एक दूसरी हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इन्नी कद तरक्तुकुम अला मिस्लिल बैदा लैलुहा कनहारिहा ला यज़ीगु अन्हा बादी इल्ला हालिक, कि ऐ लोगों, मैं तुम्हें एक वाज़ह रोशन शाहराह पर छोड़ करके जा रहा हूँ जिसकी रातें भी दिन की तरह से रोशन हैं, कोई भी चीज़ इसके अंदर छुपी हुई नहीं है। अब मेरे बाद मेरे इस रास्ते से वही शख्स भटक सकता है जो हलाकत जिसका मुकद्दर हो, जो हलाक होने वाला हो। तो गोया की और खुद इस तकमील दीन की शहादत
अल्लाह तबारक व तआला ने इन अल्फाज में दी, अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुम अल-इस्लाम दीना, कि आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया है और तुम पर अपनी नेमतें मुकम्मल कर दी हैं और इस्लाम से बहैसियत दीन मैं राज़ी और खुश हो गया। गोया कि वो दीन जो अल्लाह तबारक व ताला ने अपने नबी के ज़रिए इस दुनिया में पहुंचाया वो मुकम्मल हो गया है, उसके अंदर कोई कमी नहीं रह गई है। क़यामत तक के लिए अब वही दीन करार पाया, अब इसके अंदर कोई किसी भी नई चीज़ का ईजाद करना ये बिदात और गुमराही करार पाया। इस दीन को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे तौर पर बयान कर दिया, उस पर अमल करके दिखा दिया, सहाबे किराम ने भी उस पर अमल किया, अब यही दीन करार पाया। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त ताकीद की है, वसीयत की है कि मेरे जाने के बाद तुम मेरे इस रास्ते से नहीं हटना। तरक तो फीकुम अमरैन लन तदिल्लु बादी मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, जब तक इन दो चीज़ों को मजबूती के साथ नहीं पकड़े रहोगे उस वक्त तुम गुमराह नहीं हो सकते। वो दो चीज़ें क्या हैं? एक अल्लाह तबारक व ताला की किताब और दूसरी चीज़ है मेरी सुन्नत, मेरा तरीक़ा, मेरा उसवा। एक दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि यहूद ये 72 फ़िरक़ों में तकसीम हो गए और तुम 73 पर फ़िरक़ों में तकसीम हो जाओगे, तमाम के तमाम फ़िरक़े दोज़ख़ में जाएंगे सिवाय एक फ़िरक़े के। सहाबे किराम रज़ी अल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन ने पूछा कि अल्लाह के रसूल वो फ़िरक़ा कौन सा होगा? आपने फ़रमाया मा आना अलैहि व असहाबी, वो तरीक़ा, वो दीन जिस पर मैं हूँ और मेरे सहाबा हैं। इरबाज़ बिन सारिया रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, वादना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौइज़तन वजिलत मिन्हुल क़ुलूब वज़रफत मिन्हुल उयून, क़ालू या रसूलल्लाह वाज़तना का अन्नहु मौइज़तु मुअद्दी। इरबाद में सारिया कहते हैं कि एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ऐसी जामे और पुर असर नसीहत फरमाई जिससे हम सब के आँख से आंसू बह पड़े, दिल लरज गए। सहाबे किराम रज़ी अल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन ने कहा कि अल्लाह के रसूल, आज आपने ऐसी नसीहत फरमा दी है जैसे कि आप दुनिया से रुखसत होने वाले हों, तो आप हमें कुछ नसीहत करके जाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसीकुम बितक्वल्लाह, मैं तुम्हें अल्लाह से डरने की, अल्लाह से खौफ खाने की वसीयत करता हूँ और उसके बाद अपने उमरा की, अपने हाकिमों की समोतात की ताकीद करता हूँ। उसके बाद आपने फरमाया मन यइश मिनकुम फसर इख्तिलाफन कसीरा, कि जो शख्स मेरे इस दुनिया से चले जाने के बाद जिंदा रहेगा तो बहुत सारा इख्तलाफ रूनमा हुआ होता देखेगा, मुसलमान मुख्तलिफ फिरकों में बटेंगे, उनके अकीदे मुख्तलिफ होंगे, उनके आमाल मुख्तलिफ होंगे, तो तुम्हें क्या करना है? फअलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाई राशिदीन अल महदीन, तो तुम मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़ो और मेरे बाद जो हिदायत याफ्ता खुलफाए राशिदीन गुजरे हैं जिन्होंने इस दीन पर अमल किया, उसके लिए कुर्बानियां दी, उनके रास्ते को, उनके तरीके को तुम लाजिम पकड़ो और इसको दांतों तले मजबूती के साथ दबा लो। वयाकुम मुहदसातिल उमूर, और तुम दीन में नई नई चीज़ें ईजाद करने से डरो और बचो, इसलिए कि दीन के अंदर हर नई चीज़ ये बिदात है और हर बिदात गुमराही है, दलालत है।
और इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर खुतबे जुमा में या जब भी आप खुतबा कोई देते थे तो उसमें ये ज़रूर फरमाते थे, फ़इन्न खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा, कि सबसे बेहतरीन तरीक़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है, और सबसे बदतरीन उमूर वो है जो दीन में नए नए ईजाद कर लिए जाएं, और हर नई चीज़ ये बिदात है और हर बिदात गुमराही है। तो इस तरीके से एक तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां अपने दीन को, अपने तरीक़े को और अपने बताए हुए रास्ते को पकड़े रहने की सख्ती के साथ तलकीन की, वहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिदात और खुराफात से भी डराया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मन अहदथा फी अम्रिना मा लैस मिन्हु फहुवा रद्द, जो हमारे इस दीन के अंदर कोई ऐसी चीज़ ईजाद करे जो उसमें से ना हो तो मर्दूद है। और एक दूसरी हदीस में है, मन अमिला अमलन लैस अलैहि अम्रुना फहुवा मरद्दुन, जिसने कोई भी ऐसा अमल किया जिस पर हमारा हुक्म नहीं है, हमारी हदीस नहीं है, हमारा तरीक़ा नहीं है, हमारा उस्वा नहीं है, फहुवा रद्दुन, तो मर्दूद होगा, वो बातिल होगा। इसीलिए इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मन इस्तहसन फ़कद शर्रा, जिसने दीन के अंदर किसी चीज़ को अच्छा और बेहतर समझते हुए अपनी जानिब से उसको दीन के नाम पर राइज कर दिया, तो गोया कि उसने शरीयत साजी की जो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का हुक्म, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक है। किसी को यह हक नहीं पहुंचता कि इस दीन के अंदर अपनी तरफ से कोई चीज़ ईजाद करे या उसको बंदों के दरमियान राइज करे। इमाम अहमद बिन हम्बल रहिमहुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, उसूल सुन्नत इंदना अत्तमस्सुक बीमा कान अलैहि असहाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हमारे दरमियान सुन्नत की असल ये है कि हम उस चीज़ को मजबूती के साथ लाजिम पकड़ें जिस पर सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन गामज़न थे, उनकी इक्तिदा करें और बिदात को छोड़ दें, और हर बिदात गुमराही। इस्लाम की इस कदर बिदात और खुराफात से मुतालिक वाज़ह तालीमात के बावजूद आज जब हम और आप मुसलमानों पर नज़र दौड़ाते हैं तो पाते हैं कि वो तरह तरह की बिदात और खुराफात में मुलव्वस हैं, दीन के नाम पर तरह तरह की चीज़ें ईजाद कर दी गई हैं और उसको वो दीन समझ करके वो कर रहे हैं और उसको और उस पर अमल कर रहे हैं। इन्हीं बिदात और खुराफात में से शाबान के महीने में की जाने वाली बिदात और खुराफात है, जिसको वो 15वीं शाबान को, जिसे वो शबे बरात के नाम से याद करते हैं, इस दिन खुसूसी तौर पर तरह तरह की बिदात और खुराफात की जाती हैं। बिलाशुबह शाबान का महीना एक अफजल और खैर बरकत वाला महीना है। इस महीने की खुसूसियत ये रही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में कसरत के साथ नफली रोज़े रखा करते थे। रिवायत में आता है, आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, मा राईतो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तकमला सियाम शहरिन कत्तु इल्ला शहर रमज़ान व मा राईतुहु फी शहरिन अक्सर सियाम मिन्हु फी शाबान, कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा कि कभी भी आपने किसी महीने के रोज़े को मुकम्मल रखा हो सिवाय रमज़ान के। रमज़ान ही का एक ऐसा महीना है जो आप मुकम्मल रोज़े रखते थे, इसलिए कि इस महीने का रोज़ा फ़र्ज और वाजिब है। वमा रअयतु फ़ी शहरिन, और मैंने आपको नहीं देखा किसी महीने में ज़्यादा रोज़ा रखते हुए शाबान के बिलमुक़ाबिल। शाबान के महीने में रमज़ान को छोड़ कर के साल के बकिया महीनों के मुकाबिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा रोज़े रखा करते थे। एक और रिवायत है
लम यकुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूमु शहरन अक्सर मिन शाबान, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी महीने में रमजान शाबान से ज़्यादा रोज़े नहीं रखते थे। तकरीबन आप शाबान रोज़े में गुजार देते थे, रोज़े में बिता देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में कसरत के साथ क्यों रोज़ा रखते थे, ये भी एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ह फरमाया है। उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, कुल तो या रसूल अल्लाह लम अरका तसूमु फी मिन शहरिन मिन अश्शुहूर मा तसूमु मिन रम मिन शाबान, قال ذاك شهر تغفل فيه الناس عنه بين رجب ورمضان। उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, मैं आपको किसी और महीने में उतना रोज़ा रखते हुए नहीं देखता हूँ जितना शाबान में देखता हूँ, वजह क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक ऐसा महीना जिसमें आम तौर पर लोग गफलत बरतते हैं, जो रमज़ान और रजब, जो रजब और रमज़ान के दरमियान पड़ता है, ये एक ऐसा महीना है, तुरफ़ फ़ीहि अल-आमाल इला रब्बिल आलमीन, एक ऐसा महीना है जिसके अंदर बंदों के साल भर के आमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेश किए जाते हैं। और मैं पसंद करता हूँ कि मेरे आमाल जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेश किए जाएं तो मैं रोज़े की हालत से रहूँ। इस हदीस के अंदर कहीं भी तहदीद नहीं है 15वीं शाबान की, कि 15वीं शाबान के अंदर आमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ पेश किए जाते हैं। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे महीने में कसरत से रोज़ा रखा करते थे कि पता नहीं वो कौन सा दिन हो जबकि मेरा आमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेश कर दिया जाए। यूं तो हमारे आमाल यौमिया भी पेश किए जाते हैं और हफ्ते में भी पेश किए जाते हैं। रिवायत में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 बातों को लेकर के हमें खिताब फरमाया। उन बातों में से एक बात यह थी कि अल्लाह ताला ना तो सोता है और ना ही सोना उसके लिए मुनासिब है, वो मीज़ान को उठाता और झुकाता है, और युरफ़ा इलैहि अमलुल लैल क़ब्ल अमलिन नहार, कि दिन का रात का अमल उसके पास पेश कर दिया जाता है दिन होने से पहले, और दिन का अमल उसके पास पेश कर दिया जाता है रात होने से पहले। सही मुस्लिम की ये रिवायत है। और एक दूसरी रिवायत जो बुहरारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आती है, उसमें आता है यताअक़बून फ़ीकुम मलाइकतुन बिल्लैल व मलाइकतुन बिन्नहार, कि तुम्हारे दरमियान फरिश्ते रात और दिन के अंदर तुम्हारे आमाल लेने के लिए इकट्ठा होते हैं, वो ड्यूटी करते हैं, सलाते फज्र और सलाते असर के अंदर वो इकट्ठा होते हैं। सलाते फज्र के अंदर फरिश्ता रात भर का आमाल लेकर के जाता है और दूसरा फरिश्ता आता है और असर तक वो ड्यूटी देता है, और असर के बाद वो अमल लेकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जाता है। इन रिवायतों से मालूम होता है कि हर फज्र की नमाज के बाद और हर असर की नमाज के बाद हमारे किए गए आमाल फरिश्ते लेकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास पहुंचते हैं और उनको पेश करते हैं। इसीलिए रिवायत में इन दोनों नमाजों की सख्त ताकीद की गई है और इनकी कुछ ज़्यादा ही फजीलत बयान की गई है। इसी तरीके से हफ्ते के अंदर हमारे आमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ पेश किए जाते हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि लोगों के आमाल हफ्ते में 2 बार अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेश किए जाते हैं, एक पीर का दिन यानी सोमवार का दिन है और दूसरा यौमुल खमीस का दिन है। तो इसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन हर मोमिन बंदे की मगफरत फरमाता है सिवाय उस बंदे के कि जिसके जिनके दरमियान कीना और अदावत मौजूद हो। एक दूसरी रवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तूरदुल आमाल यौमल इस्नैन वल खमीस, कि आमाल सोमवार और जुमेरात के दिन अल्लाह के सामने पेश किए जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा अमल पेश किया जाए इस हाल में कि मैं रोज़े से हूँ। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार के दिन और जुमेरात के दिन कसरत से रोज़ा रखा करते थे।
और शाबान का जो महीना है इसके अंदर पूरे साल का अमल पेश किया जाता है, इसलिए इस महीने में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से रोजा रखा करते थे। तो हम इस शाबान के महीने की फजीलत यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा नफली रोजे रखें, जिस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। लेकिन इस महीने के अंदर हमने जो तरह तरह की बिदात ईजाद कर रखी हैं दीन के नाम पर, इनका कोई सबूत नहीं मिलता। उन बिदात में से कि हम 15वें शाबान के दिन को रोज़े के लिए ख़ास करते हैं, इस दिन के अंदर हम रोज़ा रखने को अफजल और बेहतर समझते हैं, और हम ये समझते हैं कि इसके अंदर हमारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। इसी तरीके से एक और बिदात है जो सलाते अल्फिया के नाम से लोगों में आवाम में मशहूर है, जिसका एक मखसूस तरीक़ा है। तो जहाँ तक रोज़े की का ताल्लुक़ है, तो इस सिलसिले में इस अमल को अंजाम देने वाले जो लोग हैं, वो जो दलीलें देते हैं, उनमें से एक रिवायत ये है, इज़ा कानत लैलतुन निस्फ मिन शाबान फ़कूमु लैलहा वसूमु नहारहा, कि जब 15 शाबान की रात हो तो उसकी रातों को क़याम करो और दिन में रोज़ा रखो, इसलिए कि अल्लाह ताला इसके अंदर नुज़ूल फरमाता है सूरज डूबने के वक्त से लेकर के समाए दुनिया पर, और कहता है अला मिन मुस्तग़फिरिन ली फ़ाग़फिरु लहू अला मिन मुस्तर्ज़िक़िन फ़ार्ज़िक़हु, कि है कोई मगफरत तलब करने वाला जो मुझसे मगफरत तलब करे, बस मैं उसकी मगफरत कर दूं, है कोई रोजी तलब करने वाला रोजी का तलबगार कि मैं उसे रिज़्क अता कर दूं, है कोई बीमार जो दुआ करे मुझसे इन औकात में उठ करके मैं उसे सेहत व तंदुरुस्ती से नवाज दूं, अला कज़ा व कज़ा हत्ता यतुलल फज्र, और इस तरीके से इस तरीके की दुआएं करता रहे यहां तक कि फज्र तुलू हो जाए। इस रिवायत को दलील बना करके लोग कहते हैं कि नहीं भाई, फजीलत तो साबित है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि यह गढ़ी हुई रिवायत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित कलाम, आप किसे साबित यह हदीस नहीं है। यह हदीस सुनन इब्ने माजा, बैहकी और इब्नुल जौदी ने अल इलल में जिक्र फरमाया है, मगर ये हदीस इंतहा दर्जे की ज़ईफ़ है। सनद में इब्ने अबी सबरा रावी हैं, जिनके मुतालिक इम्मे जरह व तादील फरमाते हैं यदाउल हदीस, ये रावी हदीसें गढ़ा करता था, अपनी जानिब से हदीसें बनाता था और निस्बत कर देता था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब। हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं रमोह बिल वज़, लोगों ने इसे वज़ के साथ, हदीस गढ़ने के साथ मुत्तहम किया है। अल्लामा अल्बानी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस के ताल्लुक से फरमाते हैं हाजा इसनादुन मुजमाउन अला ज़ाफी वहु इंदी मौजू, कि यह हदीस ऐसी है जिसके सनद के ज़ौफ पर तमाम अइम्मे जरह व तादील का इत्तेफाक है, और मेरे नज़दीक भी ये मौजू और गढ़ी हुई हदीस है। इसी तरीके से सलाते अल्फिया के ताल्लुक से भी रिवायत सुन लीजिए। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आता है मन सल्लमियत रका लैलत निस्मि शाबान यकरोफी कुल रकातिन बिफातिहतिल किताब, कि वो आदमी जो 15वीं शाबान की रात 100 रकात नमाज पढ़े और हर रकात में सूरे फातिहा और कुल हुवल्लाहु अहद 10 बार पढ़े, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन उस रात उसने जो भी दुआ की है अपनी ज़रूरत की, उसे अल्लाह ताला पूरा फरमाएगा। ये रिवायत भी मौजू है, यानी गढ़ी हुई है। इब्नुल जौदी कहते हैं हाजा हदीसुल ला नशुक्कु अन्नहु मौजूउन, कि यह हदीस ऐसी है कि इसके मौजू होने में, गढ़ी हुई होने में मुझे कोई शक नहीं है। वह जमहूर रवात ही फितर की सलासा, और ये रिवायत जो 3 सनदों से बयान की जाती है इसके अंदर मजहूल रावी है, जिनके बारे में कुछ पता ही नहीं है कि आदमी सिका था या ज़ईफ़ था। वफ़ीहिम ज़ुफ़ाउन बिमर्रा, और इसकी सनद में इंतहा दर्जे के ज़ईफ़ रावी मौजूद हैं।
इसीलिए अल्लामा इब्ने क़य्यिम अल-जौज़िया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ताज्जुब है ऐसे लोगों पर जिन्होंने इल्मे हदीस की बू सूंघी हो, इस तरह की गैर माकूल बातों से धोखा खा जाएं और उसे पढ़ें। ये नमाज इस्लाम में 4वीं सदी हिजरी के बाद गढ़ी गई और बैतुल मक़दिस में परवान चढ़ी और इसके लिए हदीसें गढ़ी गई हैं। तो इस तरीके से ये रिवायत भी मौजू और गढ़ी हुई है। एक और रिवायत जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से नकल की जाती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15वीं शाबान की रात नमाज़ पढ़ी और पूछा कि क्या तुम्हें मालूम है कि इस रात के अंदर क्या अजर व सवाब है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात में साल भर जो भी बच्चे पैदा होने वाले होते हैं सब लिख दिए जाते हैं और साल भर जिनकी मौत आनी होती है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन लिख देता है और इसके अंदर बंदों के आमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास पेश किए जाते हैं और रोज़ी उतारी जाती है। ये रिवायत भी, ये हदीस भी इंतहा दर्जे की ज़ईफ़ है। बैहक़ी ने बाद मजहूल रावियों के वास्ते से नकल किया है। अल्लामा अल्बानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसकी सनद ज़ईफ़ है। सनद में नज़र बिन कसीर अलाबदी एक रावी हैं जो ज़ईफ़ हैं। तो इस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस से, आपकी सुन्नत से, इस रात को, इस दिन को, 15वीं के दिन को ख़ास करके रोज़ा रखना या रात में खुसूसी तौर पर क़याम करना और इज्तिमाई शक्ल में इबादतें करना, मस्जिदों को कुमकुमों से सजाना, ये सब बिदात और खुराफात हैं। इसी तरीके से लोग इस रात कब्रस्तान में जाने का खुसूसी एहतमाम करते हैं और उसके लिए भी ज़ईफ़ और गढ़ी हुई रिवायत का सहारा लेते हैं जो साबित नहीं है। वक्त कम है इसलिए मैं जल्दी जल्दी उन बिदात का नाम जिक्र कर देता हूँ। इसी तरीके से वो लोग रूहों की आमद का एतकाद रखते हैं और समझते हैं कि जो अज़ा व अक़रिबा हैं, जो इस दुनिया से फ़ौत हो चुके हैं, उनकी रूहें इस रात घरों को वापस लौटती हैं। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने साफ अल्फाज में फरमा दिया है उमी वराइहिम बरज़खुन इला यौमी युबअसून कि लोगों के मरने के वक्त से लेकर दोबारा उठाए जाने के दरमियान एक रुकावट हायल है जिसको हम बरज़खी ज़िंदगी कहते हैं। इन अय्याम के अंदर, इस फतरे के अंदर कोई भी रूह दोबारा दुनिया के अंदर लौट करके नहीं आ सकती। जब अल्लाह तबारक व तआला बंदों को दोबारा ज़िंदा करेगा तो अल्लाह के सामने हिसाब किताब के लिए पेश किए जाएंगे। इसी तरीके से लोग इस रात को आतिशबाजी करते हैं, मस्जिदों को चिरागा करते हैं, जो एक तरफ तो फजूल खर्ची है। इस्लाम ने खुशी और जश्न मनाने की मुकम्मल वजाहत फरमाई है कि हमें किस तरह खुशी मनानी है, किस तरह गम मनाना है और किस तरीके से हमें जश्न मनाना है, सब की वजाहत इस्लाम ने कर दी है। इस ऐसे तरीक़ों को अपनाना जो एक तरफ फजूल खर्ची हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई होते हैं, और दूसरी तरफ इसके अंदर कुफार और मुशरिकीन से मुशाबहत पाई जाती है जो अपने त्योहारों के अंदर पटाखे चलाते हैं, आतिशबाजियां करते हैं। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं इस रात में चिरागा करना, रोशनी करना कौम बरामका की ईजाद है। ये लोग असल में आतिश परस्त थे, जब इस्लाम लाए तो उन्होंने ये रस्म बद इस्लाम में दाखिल कर दी ताकि मुसलमानों के साथ नमाज में आग को सजदा किया जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तो हमें बिदात व खुराफात से दूर रहने की तौफीक अता फरमा और अपने बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। बारकल्लाह लना व लकुम फिल आयात व ज़िक्र हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीम मलिकुम बर्रुर रऊफुर रहीम।